अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लास्ट व्लॉग ऑफ दिस ट्रिप। तो ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है इसके ट्रेन हादसा हो गया था, तो फैमिली ने बिल्कुल भी परमिशन नहीं दिया ट्रेन में आने का। तो अभी प्लान ये हुआ है कि हम कायनात ट्रैवल में फैज़ाबाद से हमने कायनात ट्रैवल को ज्वाइन किया और अभी इस तरह की बस है, तो इसमें ही हम जो है वो जाएंगे कराची बाय रोड। गाड़ियाँ जो है वो हमने ट्रेन में मुंतकिल कर दी हैं, क्योंकि रीज़न ये था कि अब जो है ना वो ज़्यादा टेंशन हो गई, तो अब घर से फोन आया कि भाई बस हो गया, इनफ हो गए तुम्हारे टूर्स, तुम्हारे ट्रैवल, हमारी हर चीज़ें इनफ हो गई, अब यू हैव टू बैक। तो अब बैक जाना है डेफिनेटली, आपको पता है सारी चीज़ें। गाड़ियाँ चली गई हमारी, और इस वक्त वी आर इन स्टिल फैज़ाबाद टू रावलपिंडी। अब रावलपिंडी से जो है वो कनेक्टिंग बस का कुछ सिलसिला हुआ है, समझ नहीं आया, उन्होंने हमें बोला था 11:30 बजे वहाँ से निकलेंगे, तो ऑन टाइम निकल गए थे। यहाँ पर आकर जो है वो टाइमिंग हो गई 1:15 की, तो अब वेट कर रहे हैं बस का, उसके बाद देखते हैं बस आती है तो अब ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू टू कराची, कहाँ कहाँ रखते हैं, कहाँ कहाँ स्टॉप है हमारे और हम कहाँ कहाँ स्टॉप्स लेंगे, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी फ़िलहाल तो दिया है कायनात, इस वाली बस में जाएंगे। बाकी का ब्लॉग जो है वो जहाँ जहाँ स्टॉप करेंगे वहाँ बताएंगे। और बस यार ट्रेन का हादसा जो है ना बहुत बुरा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल बहुत मज़ा आया सफ़र में। बाकी जो इस ब्लॉग का जो इसके बाद में एक और ब्लॉग क्रिएट करूँगा, ये कंप्लीट करूँगा, कराची तक किस तरह हम पहुँचे वो सारी चीज़ आपको बताऊँगा इस ब्लॉग में। सारी चीज़ें कायनात ट्रैवल से क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जो भी चीज़ होंगे पूरे रिव्यूज़ करूँगा इसके। और साथ साथ अब ये है कि रिव्यूज़ करने के बाद अब आगे चलते हैं, जो स्टॉप्स होंगे ना वो दिखाऊँगा। अभी ज़्यादा फिर बातें करना मतलब ब्लॉग फिर बोरिंग हो जाएगा, वापस चलेंगे जो स्टॉप होता है स्टॉप पर रुकेंगे और कराची तक पहुँचते कैसे, और आखिर में एक पूरा रिव्यू दूँगा पूरे ट्रिप का कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आखिर में बताऊँगा। फिलहाल के लिए बैक टू करना चाहिए। सो गाइस स्टार्ट हो गया है ट्रैवल, बस ने चलना स्टार्ट कर दिया और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:18 और हमने रावलपिंडी से स्टार्ट किया वे बैक टू कराची। अब कहाँ और कब कराची पहुँचेंगे तो या कौन कौन से स्टॉप्स लेंगे वो सारे स्टॉप्स मैं आपको बताता रहूँगा, और अगर ये ट्रैवल सर्विस अच्छी लगी और इनकी सर्विंग वगैरह ये सारी चीज़ अच्छी लगी तो मैं डेफिनेटली आई विल रिकमेंड इट कि भाई आप इसको यूज़ करो। और फ़िलहाल जो एक प्लान था सरप्राइजिंग प्लान वो हमने थोड़ा सा स्किप किया, उसका रीज़न ये था कि हमारा वापसी का प्लान ये बना था कि हम प्लेन से आएंगे, तो मैंने कहा था कि इस ट्रैवल में मैं बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाला हूँ, तो ट्रेन में ना आने प्लेन में ना आने की एक वजह बन गई है, वो वजह ये बन गई है कि वी हैव सो मैनी लगेज, तो लगेज का जो वेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर अब प्लेन में आना मतलब आप समझ सकते हो फिर, तो बेहतर ये समझा कि वी शुड ट्राई टू डाइवो। तो कायनात ट्रैवल सर्विस मैं इनका भी आपको लोगों भी दिखाता हूँ, तो ये हमने किया हो क्योंकि यहाँ पे ना लगेज की कोई टेंशन नहीं है, अराउंड 50 kg से अबव हमारा लगेज था, तो वो लगेज हमने फिर फ्री में मतलब नीचे रखवा दिया आपको बताइए ट्रैवल सर्विसेज का। तो फ़िलहाल अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और चल रहे हैं। अब अगर जहाँ स्टॉप पे रुकते हैं तो वहाँ से भी लोग कंटिन्यू करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा समय मालिक और ये डायलॉग मालिक फिल्म का है, तो सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है, सफ़र बखैर बहुत मज़ा आ रहा है और मतलब अच्छा है सब कुछ, और ट्रैवलिंग सर्विस भी अच्छी है और फिर उसमें और क्या बताऊँ मतलब मज़ा आ रहा है मुझे बहुत। और राइट नाउ वॉचिंग मालिक, सो बस कंटिन्यू करते हैं। गाना बड़ा जिससे चल रहा है इसमें, जालिम आ रहे हैं।
इन्जॉय कर रहा हूँ बहुत बहुत तकड़ी आ रही है। तो जैसे ही कराची पहुँचेंगे और रस्ते में जो जो चीज़ें हम इन्जॉय करते रहेंगे उसे बताएंगे। रस्ते में थोड़ा सा ट्रैवल दिखाता हूँ आपको अभी। तो हेडफोन हेडफोन सब कुछ बहुत मतलब अच्छा ट्रैवल हो रहा है यार, मतलब मज़ा आ रहा है। जैसे इन्जॉइंग दैट हम सिर्फ नमाज पढ़कर आता है हमदा शेख जब तक नहीं मिल जाता हम तुमको नहीं छोड़ेगा। और दिस पाकिस्तान इज वॉट मतलब क्या मालिक के लिए मतलब मालिक बनाइए। तो वॉचिंग आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो कंटिन्यू तो कहते हैं सो अभी जो है ना वो मालिक कंटिन्यू चल रही थी तो कोई स्टॉप आया तो मैंने सोचा कि यार टॉप को ज़रा इन्जॉय कर लें कि सारे लोग बस से बाहर चले गए और मैं मालिक देखने में मसरूफ़ था। हाई लोग बहुत अच्छे हैं, मैं मोहम्मद हसनैन, मैं पाकिस्तान का शहरी, मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ। तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन, थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए और देख कर आते हैं कि क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, कौन सा स्टॉप है, थोड़ी सी डिटेल वगैरह थोड़ा सा। कौन सा स्टॉप को साफ नहीं है, बीच में रुके हुए हैं। वेयर वी आर बताओ ना मतलब यहाँ मतलब लोग ऑडियंस को वेट कर रही है देखने के लिए। गोना कॉलोनी। कौन सा? गोना कॉलोनी। गोना यार आई डोंट नो व्हाट डिड ही से गोना कॉलोनी। अब ये कौन सी कॉलोनी है मुझे नहीं पता, चलते हैं बट नीचे जाके देखेंगे कौन सी कॉलोनी है ये। तो अब सीन कुछ ऐसा है कॉलोनी का तो मुझे नहीं पता ये कौन सी कॉलोनी है। गुजरात है भाई, गुजरात गुजरात वो लगा हुआ, देर इज अ टैग। ये गुजरात का स्टेशन है, गुजरात के ऊपर उन्होंने स्टे किया, पहला स्टे एट गुजरात। मज़ा आ रहा है यार, मतलब जो सोचा था ना ट्रेन से तो मच बेटर लग रहा है मुझे। और होटल है कोई, गर्मी बहुत शदीद है और दिल नहीं चाह रहा एकदम, मतलब तो किस तरह का वो आ रहा है सीन, गर्मी बहुत शदीद है और मैं तो नहीं बना रहा कंप्लीट, आगे अगले सीजन में बनाऊंगा। सीन ऐसा है कि मिस्टेक कर दी बाहर जाकर, और बाहर नहीं जाना चाहिए था, बाहर जा गए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कोई हॉट प्लेस पर हैं। तो यार टू मच गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि बाहर वैसे ही मतलब कि जो है ना वो समझ जाओ। तो 8-10 दिन से घूम रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि तुम लोग इन्जॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। तो ये आर नियर टू गुजरात, आगे मैंने बोर्ड देखा, मुझे नहीं पता था, मैं इतना कोई मतलब कैलकुलेटिव नहीं हूँ पर्सन, तो मैंने मतलब देखा कि गुजरात का टैग लगा हुआ था। तो इसलिए अब लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस अंदर आना शुरू हो रहे हैं और आएंगे तो हम आगे चलेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं, स्टे विद मी, कंटिन्यू करें अभी, चलो चलो चलो। सो सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त राइट नाउ आई एम एट एक्सप्रेस हाईवे, सॉरी मोटरवे, मोटरवे पर हैं जो के मुल्तान से मिलाएगा हमें, पंजाब टू मुल्तान। और गाड़ी खड़ी हुई है वो कायनात, बड़ी कायनात, और जो है मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। एक्सप्रेस वे दिखाता हूँ, मोटरवे सॉरी, जो मुल्तान से कनेक्ट कर रहा है पंजाब को, ये है पूरा इस वक्त राइट नाउ वी आर हेयर। और अभी कुछ डिस्टेंस कुछ नहीं, कुछ रेस्ट करने के लिए गाड़ी रुकी है जो कंटिन्यू चल रही थी, जंग वगैरह हमने क्रॉस कर लिया सारी चीज़ें, अब मज़ीद आगे चलेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी फारिग हूँ तो आपको मैं वीडियो बना कर दिखा दूँ। और भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ये है हमारा वापसी का सफ़र, पाकिस्तान टूर वापसी का सफ़र। ये टूर जब कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको होप कि सब चीज़ें अच्छी रहेंगे, इन्जॉय करेंगे। गर्मी की वजह से चेहरे पर ऑयल बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही ऑयल आ रहा है, और फिलहाल ऐसे ही चाहिए। फिर चलते हैं आगे, इससे पहले के रेस्टोरेंट हमारा ख़त्म हो जाए। और मोटरवे के भी मज़े भी हमने ले लिए, सब चीज़ों के मज़े ले लिए, ये गाड़ी की स्पीड चेक करेंगे। सो भाई राइट नाउ टाइम हो गया है डिनर का, तो दे प्रोवाइडेड अस अ मील,
जो टिकट के साथ उन्होंने कहा था कि हम आपको मील प्रोवाइड करेंगे, तो हॉल में जा रहे हैं डिनर करेंगे और डिनर में क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। तो अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई मतलब ऐसी कोई सचेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूँ। आप इसका ख्याल रखिएगा, उसका ख्याल रखिएगा, इन्जॉयमेंट का ख्याल रखिएगा बस, और जिस तरह से हम मैं इन्जॉय कर रहा हूँ जिस तरह इन्जॉय करते रहेगा। सबसे गाड़ी में सब मेरे दोस्त हैं, सब मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं, और सब बच्चों के साथ खेल रहा हूँ मैं। मैंने उसकी वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन जो है वो फुल टाइम इन्जॉयमेंट चल रहा है। सब जानते हैं हमको अच्छे से कि हम क्या काम कर रहे हैं, बस मज़े कर रहे हैं। अब खाना स्टार्ट करते हैं, खाने की वीडियो देखते हैं। तो राइट नाउ भाई मुल्तान, वी आर इन मुल्तान। खाना मज़े का नहीं था यार, तो जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो ये है कि खाना इतना मज़े का नहीं था। लेकिन अब जब आए हैं तो फिर सोन हलवा लिए बिना जब जाएंगे नहीं, तो मैंने ले लिया है सोन हलवा, उन्होंने ले लिया, लेकिन दूंगा नहीं किसी को। एक ये डब्बा ले लिया और ये वाले सारे ले लिए, बता रहा हूँ। एक जो है वो आपको मैंने ये ले लिया, और एक ये वाला ले लिया, और एक ये वाला ले लिया, तीन ले लिए, और एक ये वाला ये शाही वाला है ना ये ले लिया, और ये पड़े हुए पैसे। तो ये चीज़ें ले लिए, अब घर जाएंगे तो हलवा भी खाएंगे, और साथ साथ गाड़ी जो है वो, और रेबड़ियाँ भी तो ली हैं मैंने, ये वाली जिसमें बताया, और ये भी ली थी। तो अभी तो रेबड़ियाँ ले ली हैं, चाय का टाइम हो गया, और सारे हलवे भी ले लिए। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और इससे पहले कि बस का जाने का टाइम, मुझे ये पीछे बस खड़ी भी नज़र आ रही है, वो चाय पी लिए भाई, और गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो बस मुल्तान स्किप करेंगे, और मुल्तान स्किप करने के बाद देखते हैं कहाँ पे ये नेक्स्ट वो करता है, क्या कहते हैं, स्टॉप करते हैं। अब तो याद नहीं आ रहा, सुबह से बैठे बैठे थक गए, याद नहीं आ रहा क्या करते हैं क्या नहीं करते। सही, अच्छा जा रहा है सफर यार, मज़ा आ रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, ड्राइव में मज़ा आ रहा है। मतलब आप यू हैव अ फन, आपके पास अगर फन करने के ट्रिक्स हैं आप कहीं भी कर सकते हो। तो बस चलते हैं, बस जाने और सारी चीज़ें रेडी हैं। वंस अगेन इट्स नाउ 4:23, 4:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और वी आर एट हाला। तीन से हालत हो रही है पूरी, बहुत ज़्यादा नाश्ते के लिए रुका है, खाना तो मज़े का नहीं था, और नाश्ता देखेंगे और नाश्ते में क्या मिलता है ये भी देखते हैं। 4:30 तो राइट नाउ नाश्ता करते हैं और फिर आगे मज़े चलेंगे। यार लेग एक्सप्रेस की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, बस बाकी का सफ़र बहुत अच्छा है। लेग एक्सप्रेस थोड़ा होता ना तो मतलब बहुत ही खूबसूरत सफ़र हो जाता, क्योंकि शुरू के 8 घंटे 9 घंटे तो नहीं पता चला, बट नाउ पता चल रहा है कि लेग स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस के सफ़र में ये इशू आया, लेकिन बट आफ्टर काफ़ी मतलब उससे बाहर आया, अभी मुँह हाथ भी धोया इसी बस उठते ही पहले व्लॉग बना दिया पहले। तो चलते हैं अभी नाश्ता करेंगे, और नाश्ते के बाद बात करेंगे क्या होता है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए जो है वो स्टे किया, और अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट लोग होटल्स वगैरह पे रुक के स्टे करवा रहे हैं, स्टे करके यानी होटल्स वगैरह पे इज़्ज़त से लंच और इज़्ज़त से डिनर भी मिला था, और इज़्ज़त से ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। अब सोच रहे हो एकदम गाड़ी से और यहाँ होटल पे कैसे आ गए, तो वी आर एट नाउ। तो भाई नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, और हालत बहुत मुँह से पता चल रहा होगा कितनी बुरी हालत हो रही है। तो अब सीन ये है कि नाश्ता कर लिया है मैंने तो, और उसके बाद मैंने सोचा कि फिर ही कुछ करेंगे, अब चलेंगे बस में, क्योंकि इस वक्त वो वाली कंडीशन नहीं है कि बंदा जो है वो बार बार मुंह दिखाए इस कंडीशन में। तो चलते हैं, सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह, बस एक इशू हो रहा है मुझे, अगर इसमें थोड़ा सा लेग स्पेस होता ना, कि लेग स्पेस होता कि हम सो सकते हैं। 20 बज गई, चलते हैं आगे बढ़ जाए अपना। राइट नाउ एट सुरापकोट, और सफ़र का हुआ जाता है इख्तिताम, और बस अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान टूअर एंड, और दिस इज़ द लास्ट व्लॉग, और अब घर जाएंगे, सोएंगे, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर आपको पोस्टिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।